दुनिया की नजर इस बात पर ठहरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की केमिस्ट्री कैसी नजर आती है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका के सभी राष्ट्रपतियों से प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अच्छे रिश्ते बनाए हैं। इस मुलाकात पर इस मायने से भी नजर खास रहने वाली है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की अमेरिका से दोस्ती लगातार मजबूत होती रही। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की अमेरिका के हर राष्ट्रपति के साथ शानदार केमिस्ट्री दिखी। फिर चाहे वो बराक ओबामा हो या डोनाल्ड ट्रंप, जिनके साथ मोदी जब जब नजर आए उनकी केमिस्ट्री भी खबर बनी। लेकिन क्या जो बाइडेन के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री ऐसी ही रहेगी? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतांत्रिक देशों की इस दोस्ती का असर सारी दुनिया की राजनीति पर पड़ेगा और विस्तारवाद के खिलाफ भी ये केमिस्ट्री अहम रोल अदा करेगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति का चेहरा बदल चुका है और जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से उनकी पहली मुलाकात होगी ये। लेकिन आतंकवाद और विस्तारवाद, इन तमाम नीतियों पर जिस तरीके से भारत ने इस दुनिया का नेतृत्व किया है, उसमें ऐसा हमें उम्मीद लगती है और ऐसी हम आशा करते हैं कि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती भी आने वाले वक्त में और भी ज्यादा मजबूत होगी। वैसे प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 7वीं बार अमेरिका के दौरे पर पहुंचेंगे। मोदी के अमेरिका दौरे के वक्त 4 बार बराक ओबामा, 2 बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। जो बाइडेन पहली बार राष्ट्रपति के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करेंगे। लेकिन जो बाइडेन जब उपराष्ट्रपति थे, तब 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया था और इस दौरान इन दोनों नेताओं के बीच भी शानदार केमिस्ट्री दिखी थी। वैसे भारत और अमेरिका के नेताओं की केमिस्ट्री आज की परिस्थिति में बेहद स्वाभाविक भी नजर आती है। क्यों? अब जरा ये भी समझ लीजिए। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ भारत अमेरिका सहयोगी है। एशिया की महाशक्ति भारत की अमेरिका को जरूरत है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका अहम साझेदार है। अमेरिका और भारत की रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत है। इसके अलावा सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र स्वाभाविक दोस्त भी हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन दोनों ही बहुत ही सुलझे हुए राजनयिक हैं। वो अच्छी तरह से समझते हैं कि अपने अपने देश के हितों के बारे में, और मुझे लगता है कि जब वो पहली बार इस कैपेसिटी में मिलेंगे तो दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जिसके चलते हुए भारत और अमेरिका की जो ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, उसे और आगे बढ़ाया जा सकेगा। चलिए अब इस दोस्ती के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करते हैं, जो सीधे दुनिया के सबसे बड़े विस्तारवादी देश चीन से जुड़ता है। आतंकवाद के अलावा विस्तारवाद भी क्वाड देशों के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार ये बात सामने आई है कि चीन की निगाहें लगातार अफगानिस्तान पर गड़ी हैं, क्योंकि वो अफगानिस्तान में अपनी विस्तारवाद नीति को आगे बढ़ाना चाहता है। साथ साथ अमेरिका भी चीन की इस विस्तारवादी नीति को लेके बयान दे चुका है, और ऐसे में क्वाड देशों की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका अहम रहने वाली है। सबकी निगाहें इस बात पर होगी कि इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।